ये ना थोड़ा सा आवाज। अरे तू क्यों ना, ले रख क्या? नहीं रख दे, क्लीनिंग करेंगे तभी तो चलेगा। पूरा वाइट हो गया है। क्यों सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता। हनी ये भैया ने पूरा अपना सेटअप लगा लिया है। ये देखो यहाँ से पानी खींचेगा और वहाँ धोएगा। ये वाला है पूरा क्लीन हो जाएगा। तो गंदगी एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। सो सुबह के 8:15 बज रहे हैं, बस मैं जा रही हूँ अपना काम निपटाने जो मॉर्निंग का होता है। आज मैं ना थोड़ी सी देरी से उठी, वैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 6:30 तक तो उठ ही जाती हूँ जितनी भी छुट्टियाँ मेरी गई हैं। बट आज मैं ना 7:45 उठी, मेरी आँख ही नहीं खुली आज। और शायद तबीयत मेरी कल ठीक नहीं थी इस वजह से। कल जब एसी रिपेयर वाले भैया आए थे, मैं दिखा रही थी आपको, एसी रिपेयर नहीं सॉरी एसी सर्विसिंग के लिए आए थे, वो सर्विस करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और दिवाली आने वाली है तो घर की साफ़ सफाइयाँ तो चलती हैं। तो उसमें से हमारा एक एसी भी आता है जिसकी सफाई सफाई करनी है मेरे को। एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन भी चलाऊंगी और उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन में भी उसका जो पाउडर वगैरह डाल के मैं करती हूँ क्लीनिंग, टब क्लीनिंग होता है तो उसका वो भी मैं करूँगी। तो मैंने कल सफाई हो गई थी पूरी एसी की। और फिर है ना, मेरी कल ना सुबह से ही ऐसा हो रहा था, इसी टाइम की बात है कि मेरे को ना बड़ा चक्कर आ रहे थे, बहुत चक्कर आ रहे थे, इतने भयंकर चक्कर और जी घबरा रहा था, मेरे को वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, बहुत बहुत ना मेरे को अजीब सा हो रहा था। तो कल मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी और अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। तो पता नहीं आए दिन क्या किसकी नज़र लगती है, मैं अच्छी खांसी होती हूँ और अच्छी खांसी से मैं एकदम से परेशान होने लग जाती हूँ, एकदम से बॉडी मेरी वीक हो जाती है। मैं एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ बट एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। कभी कभी ना मुझे इस चीज़ को लेके ना बड़ा रोना आता है कि मेरी लाइफ ना कैसी हो गई है। मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। कल चैनल पर वीडियो डाला, मतलब वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए डाला, तो वीडियो भी देखा कि कोई खास व्यू नहीं गए, जब तक नॉर्मल जाते थे वो भी नहीं गए। तो आजकल ना लोगों को मसाला चाहिए, बस मसाला दो, चाहे वो किसी का भी हो या तो इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े हो उनका वीडियो देखते हैं। एक व्लॉग बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बट ना किसी को ये समझ नहीं आता कि व्लॉग में कितनी मेहनत लगती है, वो देखना नहीं चाहते हैं। और मसाला हो ना, उसमें रोना धोना हो या कुछ ऐसा टॉपिक हो मसालेदार चटपटा, तो उसको फटाफट से क्लिक करते हैं, क्लिक ब्लिक टाइटल जो बोलते हैं क्लिक करते हैं। और यही मसाला अगर नहीं है तो फिर कोई नहीं देखता है। तो सिंपल सा कल मैंने टाइटल रखा कि हमने नवरात्रि में मस्ती की, तो उसको मैं ज़्यादा खास लोगों ने नहीं देखा, मुझे ये देख के बहुत बुरा लगा। यही मैं कुछ उल्टा पुल्टा टाइटल रखती हूँ तो सब लोग देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, देखते भी हैं, और व्यूज़ तो काफ़ी पहले से भी डाउन हो गए हैं, फिर भी मैं कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ ब्लॉग बनाने में। ऐसा नहीं है कि एक हवा में बस बोला पटर पटर और ब्लॉग बन गया, ऐसा नहीं होता, ब्लॉग बनाने में मेहनत लगती है।
कैमरे को हर जगह लगाना करना, फिर एक ना जब इस तरीके से रिस्पांस मिले ना तो एक जगह ना फिर आस होप जो हमारी टूट जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता है। और अभी प्रॉब्लम दिवाली आने वाली है, नवरात्रि ख़त्म हुई है, अब दिवाली आएगी। अभी तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं क्योंकि यहाँ लकी पूजा है, लक्ष्मी पूजा जो है कल है शायद, तो छुट्टियां चल रही हैं। तो इस वजह से अभी मेरे को सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके सफाइयां करना शुरू कर दूँ। और हमारा ना मेन डोर में भी बार बार दीमक लग रहा है, दीमक का बड़ा इशू हो रहा है हमारे घर में, मेन डोर में जो है लग रही है। तो बड़ा ना एक हेक्टिक बड़ा जो है काम हो रहा है ना, दिमाग ना बहुत ऐसा उथल पुथल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ कैसे करूँ, चीज़ें कैसे नॉर्मलाइज हो। मैं चाह रही हूँ इस दिवाली ना बहुत अच्छे से सबको साफ़ सफाई करके, और एक ना अच्छे से जब भी पूजा पाठ हो ना घर में तो एक बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो। कसम से खा रही हूँ, मैं कसम खा रही हूँ, बहुत ना रोना आ जाता है। हाल मेरी तबीयत कभी बिगड़ती नहीं थी, मैं एकदम बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया है, ये लास्ट ईयर से मैं बोल रही हूँ, एक साल समथिंग हो गया, मेरी तबीयत बहुत जल्दी बिगड़ जाती है, बहुत जल्दी मेरी तबीयत में ऐसा हो जाएगा। मैं एक्टिव रहने की कोशिश करूँ लेकिन बॉडी इतना लो फील कराएगी मुझे, इतना लो फील कराएगी कि मैं थोड़ा सोचूंगी भी ना कि मैं अब ठीक है, अब नॉर्मल है, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। मैं लो फील फील करती जाऊंगी। ऐसा मेरे साथ होने लगा है। सो चलिए फटाफट से अपना झाड़ू पोछा वगैरह कर लेते हैं। एक तो क्या है ना, सारा काम करना पड़ता है और दूसरा हेल्प के लिए कोई होता नहीं है। तबीयत ख़राब थी कल, तब भी मैंने सारा कुछ किया, देखती थी बच्चे, करना तो पड़ेगा ही, नहीं करने से तो होगा नहीं, है ना, तो करना पड़ता है, मजबूरी है। तो चलिए करते हैं, फिर मिलते हैं। खाली और मशीन भी मैंने अपने यहाँ लगा दी है, मशीन का कवर पूरा फट गया है, मुझे नया बाय करना है, नया मंगाऊंगी, पूरा हटाऊंगी इसको, देखो पूरी दुर्दशा ना ये ख़राब हो गई है इधर साइड से। तो मशीन लगा दी है मैंने, पहले पैंट डाले क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो पैंट डाले, फिर डेली वियर के कपड़े, फिर बेडशीट वगैरह डालूंगी। 3 से 4 बार मशीन चलेगी आज, क्योंकि टब क्लीनिंग के लिए भी मुझे मशीन लगानी है, तो टब क्लीनिंग के लिए हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं भी लगा दूँ, अभी ना लगाऊँ तो, बट लगानी मुझे। यहाँ पे ना सरफ ऐसे जम जाता है, तो पहले पेंट लगा दिया मैंने, थोड़ा टाइमिंग कम कर दिया है, वैसे टाइमिंग बहुत रहता है। चलिए हाँ, यहाँ देखो देखो गाड़ी देखो इसने कहाँ चढ़ाई है, ये देखो भैया गाड़ी कहाँ चढ़ा रहे हो, ये बिस्तर होगा, मेरे फ्रेंड के घर गया, उसके घर में बिस्तर था तो बिस्तर पे चढ़ा दी, नीचे में बिस्तर था अब यहाँ सोफे पे चढ़ा दी। ये क्या करते हो तुम, हाँ अरे ट्विंकल ट्विंकल सुना दे, नहीं सुनाएंगे, नाक कटाने की आदत होती है ना बच्चों को कि हम क्यों सुनाए, हम तो अपने मन की करेंगे, हम क्यों सुनाएंगे, हम नहीं सुनाएंगे करके। यहाँ से देखो घर पूरा दिख रहा है, वॉशिंग मशीन एंड ऑल, ये देखो सारा कुछ दिख रहा है यहाँ से, किचन भी दिख रहा है। मेरे आज नहाते में ना शैम्पू चला गया था आँख में, सो इसमें ना थोड़ा सा इचिंग ऐसा हो रहा है। नहा के अपना मॉइस्चराइजर सीरम लगा लिया है बस, अब चलते हैं किचन में, आज चने बॉयल होंगे, चने रख के नवरात्रे निकल गए, आज चने नाश्ते में बनेंगे, ये देखिए रात को भिगो के रखे हुए थे मैंने चने, आज नाश्ते में चने बनेंगे, चने 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 चने। ये देखो कहाँ चढ़ा रहा है, यहाँ क्यों चढ़ा रहा है, हाँ क्या हो गया नोजी में, ये गाड़ी को यहाँ क्यों चढ़ा रहा है, हाँ नीचे उतारो गिर जाएगी, नीचे उतारो मम्मा तारे, लो मम्मा का तो बायां हाथ का खेल है, नहीं ना मम्मा
कितनी मेहनत लग रही है ना। तो जी हो गए हमारे चने बनने के लिए तैयार। कभी कभी ना वीडियो बनाते टाइम चीज़ें भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। अभी जैसे मैं ढक्कन लगा दी थी इसका और ये ऐसे ही रह जाते। बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, है ना भैया? क्या एक धुन में लगा जाएगा, मम्मा 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 बिचित बिचित बिचित। पहले बोल मम्मा आई लव यू आई लव यू। पैंट पकड़ के खींच लो, खींच ले जाओ। कपड़े डाल दिए हैं, ये हमारे कपड़े हैं। मतलब मैंने फर्स्ट राउंड बना रहे थे, सारे पैंट पैंट डाले थे, दो टी शर्ट साथ में चली गई थी, तो ये धुल के सूखने डाले मैंने छत पे। आज धूप में वो तेज नहीं है जो इतने दिन से था, ये हमारे नहीं है, ये किसी और के सूख रहे हैं। तो आज धूप में वो तेज नहीं है जो एक तेज रहता था, पर हाँ है, सूख जाएंगे। फिर अब मैं दूसरे लगा दी हूँ कपड़े, वो नीचे ही डालूंगी, फिर बेडशीट वगैरह रहेंगी। अगर टाइम से धुल गई तो देख लूँगी कहाँ डालूँगी, छत पे ही डाल दूँगी, सूख जाएगी। देखो गाइस मैं छत पे आई कपड़े उठाने और हमारा सूरज इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, एक रेड गोला लग रहा है पूरे बादल में, कुछ नहीं है सिर्फ एक ये रेड गोला है। इतना सुंदर लग रहा है रियल में, कैमरे में इतना सुंदर नहीं आ रहा। कपड़े हमारे सूख चुके हैं सारे, इन्हें उठाऊंगी और रेड गोले को देख के दिल खुश हो गया। अब ये अचानक से लाइट चली, हनी रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। टैनी को ना चोट लग गई है यहाँ पे, टैनी को चोट किसी लगी है, कलर से बिगाड़ रही थी, कलर्स को ख़राब करती रहती है, तो मुझे गुस्सा आया था, मेरी हो गई थी लड़ाई, लड़ाई हो रही थी मेरी उसके पापा से, मुझे गुस्सा आया, मैंने कंघा ऐसे फेंका तो वो कंघा उसको यहाँ लग गया, तो उसको ब्लड हो गया। ब्लड मतलब यहाँ लगा है लेकिन ब्लड बह के यहाँ आ गया, तो उसको लग रहा है इतना बड़े में लगा है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, कपड़े ले जाऊँ पहले नीचे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसको थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे लग गई है, गलती मेरी थी, बट मैंने उसको डराने के लिए जस्ट फेंका था कंघा, कि उसको ऐसा मतलब इतना कंघे से तो लगना नहीं चाहिए, बट वो फेस पर ऐसे जाके लगा, वो आँख बच गई, गलती मेरी है, मैं मानती हूँ मेरी गलती। बुरा तो लग रहा है, उसको चोट लग गई, बट अब बुरा लगने से तो कुछ होगा नहीं। चलिए मैं कपड़े उठा लूँ, ये लग रहा है कि लग इतनी गई है, इतना लगा नहीं है, ये ना ट्यूब के सहारे ना ये ब्लड बह के आ गया है। लाओ इसको साफ को साफ करो हल्के से, हाँ यहाँ तो नहीं है ना, ये देखो साफ हो गया, अच्छे से साफ करती हूँ। ये लगा है, वो पूरे में था लेकिन इतना सा लगा है, मतलब लग तो काफ़ी गया है, थोड़ा सा कट ऐसे कट लग गया है, यहाँ पे कट लग गया है, तो अभी क्रीम लगा देते हैं और दवाई दे देंगे सुखाने की, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी देखो क्रीम लगा दिए, अब सही हो जाएगा। मैं चलाऊंगी यहाँ पे अपना मठा, इसमें से निकालेंगे मक्खन। चलिए इसको चला लेते हैं फटाफट से। एक बहुत बड़ी चीज़ धोई है मैंने, ये स्टूल, इसको पूरा क्लीन किया, देख सकते हो पूरा अच्छे से क्लीन किया है मैंने इसको, और ये भी बेचारा कॉर्नर में रखा रहता है, जब भी यूज़ होता है तब लगता है इसका। तो मैंने कहा दिवाली की सफाइयाँ करनी पड़ेंगी, अब चीज़ें तो साफ़ करनी पड़ेंगी, तो इसको मैंने आज क्लीन कर दिया नहाते टाइम। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे लग गया है, मैं नहा ली हूँ एंड बाहर में कपड़े पड़े हुए थे सूखने के लिए, सारे कपड़े उठा दिए, नहाने से पहले ही मैंने इसको वॉश कर दिया था। आज मैं रूम में थोड़ी बहुत क्लीनिंग करूँगी और रूम के साथ साथ मैं देखती हूँ मैं रूम क्या कर सकती हूँ। रूम की सोच तो यही रही हूँ कि रूम की क्लीनिंग करूँगी, तो मतलब रूम की हाफ क्लीनिंग हो चुकी है, बेड वेड के पीछे से जैसे एसी क्लीन हो गया, एसी वाली साइड से बेड की साइड का सब क्लीन हो गया है, वार्डरोब के पीछे पीछे जो रह जाता है ना कचरा, बस वो साफ़ करना है मुझे आज, तो आज करूँगी मैं उसको। तो फटाफट से अपना लंच बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं हो जाऊँगी फ्री, तब मैं ये सारी चीज़ें करूँगी।
तो आज लंच में बनने वाली है कढ़ी। यस, कढ़ी बनेगी और रोटियां बनेंगी, तो फटाफट से बना देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये बन गया हमारा बेसन मतलब कढ़ी, पकौड़ी का कढ़ी। आज पूरे रूम की सफाई करते करते ना एनर्जी डाउन हो गई है, तो ये लग गई हमारी थाली बच्चों की। मैं नहीं खाऊंगी रोटी और कढ़ी। चलिए तो जी, आज 5 घंटे जो है लाइट नहीं रही है, 5 घंटे 10:45 की गई थी और 4 लाइट आई है, और साथ ही साथ बारिश भी आया था, बहुत तेज बारिश आया था, 15 मिनट का ही बारिश आया था बस। ये इस तरीके से कोई रोता है ना, मुझे बड़ा ख़राब लगता है। ये एक नीचे में रहते हैं, वो उनका बेटी रोती है इस तरीके से। सो 5 जो है, 5 का 4 लाइट आई थी। अंधेरे में ही मैंने साफ़ सफाई करी रूम की, और बहुत मतलब ऐसा हो जा रहा है ना, क्या बोलूँ मैं, टेंशन हो जाता है मुझे। साफ़ सफाई अगर करना है तो फिर करना ही है, क्या करना है। वैसे घर ज़्यादा गंदा है नहीं है मेरा, मैं ऑलरेडी क्लीन करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हो जाती है तो करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो चलेगी, है ना। अभी भी किचन का जंगला साफ़ किया मैंने, और आज मैंने क्या किया, किचन का जंगला साफ़ किया, स्टूल को साफ़ किया पूरा, मतलब इसको घस के धोया, फिर है ना पूरा रूम, मतलब रूम मेरा पूरा डन। रूम में एक एक चीज़, अलमारियाँ भी दोनों तीनों, सब ड्रॉर, सब कुछ क्लीन कर दिया मैंने, तो रूम पूरा डन है। अब इधर का एरिया रह गया किचन का, सोचो किचन का नंबर लगा दूँ, ऊपर से साफ़ करूँगी। साफ़ क्या करना है, थोड़ा सा करूँगी और हो जाएगा बस, तो किचन का कर लूँ, ऐसे ही करते करते हो पाएगा। आज अगर एक ही दिन में सब कर लूँगी तो थक जाऊँगी, बहुत बुरी हालत हो जाएगी, तो इसलिए आज नहीं करूँगी। अब फिर किसी दिन देखूँगी, फिर किसी दिन क्या, कल देखूँगी, अगर कल हो गया, टाइम मिल गया तो कल कर दूँगी, और फिर रहेगा यहाँ का नंबर रह जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा दिन में बात करूँगी, मतलब इसको साफ़ तो ऑलरेडी है ही है, इसकी दीवारें साफ़ करनी है मुझे, हल्की फुल्की सी दाग धब्बे हो रहे हैं, हल्के फुल्के से वो साफ़ सफाई करनी, वैसे साफ़ ही रहती हैं, हल्के फुल्के से करने हैं, और बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप मेरे को अपनी कोई भी एडवाइस दे सकते हैं, अगर आपको कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी बता सकते हैं, और अच्छा लग रहा है तो वो भी बता सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। आप मुझे जो भी अगर मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे ट्विंकल फैमिली चैनल करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे मुझे DM भी कर सकते हैं, और मैं वहाँ पे भी बातें कर सकते हूँ। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।